नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको भगवान बद्री विशाल के एक प्रमुख धाम आदि बद्री के दर्शन कराऊंगा। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से पहले आपको आदि बद्री धाम के दर्शन करने चाहिए। आदि बद्री का मतलब है भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर, जिसे उनकी तपोस्थली भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्गारोहिणी पथ पर उत्तराखंड आए पांडवों द्वारा किया गया। यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा हुआ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणानुसार इसका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया। आदि बद्री धाम हल्द्वानी मार्ग पर कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर तथा चांदपुर गढ़ी से 3 किलोमीटर दूर है। इसका निकटवर्ती तीर्थ है कर्णप्रयाग। आदि बद्री धाम रानीखेत मार्ग पर स्थित है, जो न सिर्फ कुमाऊं से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुगम है, बल्कि गढ़वाल से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों की पहुंच के भी बहुत करीब है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्री कर्णप्रयाग से लगभग 2 किलोमीटर पहले गैरसैंण की ओर जाने वाले सड़क पर यात्रा कर 2-3 घंटे में आदि बद्री धाम के दर्शन करके लौट सकते हैं। आदि बद्री मंदिर बद्री क्षेत्र में स्थित सप्त बद्री मंदिरों में से एक है, जो कि बद्री विशाल अर्थात बद्रीनाथ, आदि बद्री, वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, अर्धा बद्री, भाविया बद्री और योगिदान बद्री है। इस मंदिर की मान्यता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तपोस्थली है। इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले आए थे, तब से इस स्थान को आदि बद्री कहा जाने लगा। इस पवित्र स्थान के निकट तीर्थ कर्णप्रयाग है, जो कि पंच प्रयाग में से एक धार्मिक प्रयाग है। आदि बद्री मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले तीनों युगों सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में आदि बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वे वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। और एक और किंवदंती है कि भविष्य में जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग एक पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा, तब विष्णु भगवान की मूर्ति फिर से आदि बद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यहाँ अब भी पूजा होती है तथा विष्णु मंदिर की देखभाल चंद्रदत्त थपड़ियाल करते हैं, जो पास ही थापली के गाँव में रहते हैं। आपको बताते चले कि थापली गाँव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 वर्षों से इस मंदिर के पुजारी हैं। यह भी माना जाता है कि भगवद गीता को भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया था। मूल रूप से इस समूह में 16 मंदिर थे, जिनमें 14 अभी बचे हैं। प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार तथा एक ऊँचे मंच पर निर्मित होना है। एक सुंदर 1 मीटर ऊँचे काली शालिग्राम की प्रतिमा भगवान की है, जो अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं तथा गर्भगृह के अंदर स्थित है। इसके सम्मुख एक छोटा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। समूह के अन्य मंदिर अन्य देवी देवताओं यथा सत्यनारायण, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, चकभान, कुबेर, राम लक्ष्मण सीता, काली, भगवान शिव, गौरी, शंकर एवं हनुमान को समर्पित है। इन प्रस्तर मंदिरों पर गहन एवं विस्तृत नक्काशी है तथा प्रत्येक मंदिर पर नक्काशी का भाव उस मंदिर के लिए विशिष्ट तथा अन्य से अलग भी है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। एक विश्वास यह भी है कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्री में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस छोटी सी जगह जो कि 12.5 मीटर से 25 मीटर के बीच है, इसमें 16 मंदिर बने हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। कोई नई चीज़ जानने को मिली है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत, जय उत्तराखंड।